बचपन का जो मेरा एक शौक था। Hey guys, good afternoon. Welcome back to the channel. कैसे हैं आप सब लोग? आज है फ्राइडे, सो हैप्पी वीकेंड गाइज। वीकेंड शुरू हो गया है और अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं। 2 PM हो रहा है, लंच के लिए बाहर जा रहे हैं। काफी एक्चुअली देर हो गया है लंच के हिसाब से। हितेश को कुछ काम में बिजी थे इसलिए। तो नज़दीकी एक वेज रेस्टोरेंट है तो सोचे वहाँ पे ही जाए, लंच करके आ जाएंगे। लंच करके आ नहीं जाएंगे एक्चुअली, थोड़ा बहुत और भी काम है, वो सब मैं वीडियो में दिखाती रहूँगी। आज बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है जबकि आज वीकेंड व्लॉग है क्योंकि वीकेंड शुरू हो गया है। सो देखते रहे इस वीडियो का एंड तक, आशा करते हो आप लोग को अच्छा लगेगा। मैंने पहना है ये वाला ड्रेस, पहले भी बहुत बार पहना है। ये वेरोमोडा का है, इतना कम्फर्टेबल ड्रेस है ना, मुझे बहुत पसंद है ये ड्रेस। और इसका कलर भी मेरा एक्चुअली फेवरेट कलर है, ब्लश पिंक। तो यही वाला ड्रेस पहना, आप लोग बताना मैं कैसे लग रही हूँ। पूरा हफ्ता चल जाए, फ्राइडे को इन लोगों का फ्रेश सब कुछ आता है तो अच्छा ही हुआ। जाकर सब ले गए, अभी सीधा घर जा रहे हैं। इस बार हर घर तिरंगा एक चीज चल रहा है, तो इस बार मैं भी इसलिए गई थी, फ्लैग लेके आई। सबको देख रही हूँ लगा रहे, तो मैंने सोचा चलो मैं भी लगा देती हूँ, तो वो सब लेके। और पता है एक चीज क्या है, मतलब आज मैं बहुत सारे पेन खरीदा। यस, बचपन का मेरा, मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है बचपन में गाड़ी वगैरह, छोटे छोटे खिलौने स्टोर, मतलब कलेक्शन करने करते, देन स्टैम्प वगैरह बहुत कुछ करते हैं। और मेरा कलेक्शन था पेन का, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन्स मैं कलेक्ट करती थी, मुझे इतना अच्छा लगता था ना। और आज मैं ढेर सारे पेन खरीदा और सब पहले के, मतलब एकदम पुराने हमारे स्कूल के टाइम के सब पेन्स थे, तो मज़ा आ गया देख के। तो अभी हो गया, बहुत कुछ खरीदा है, घर जाके मैं दिखाती हूँ। अभी से घर चलते क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई है। सो आज हम लोग रहे हैं यहाँ पे मटन, प्रॉन्स, पॉम्फ्रेट और चिकन, सब कुछ मैं अच्छे से वॉश करके फ्रीजर में रख। सो अभी जस्ट घर पे आई हूँ, घर पे आके जो भी सब नॉन वेज आइटम लाई थी वो सब कुछ क्लीन करके रखा, बाकी सब सामान ही अच्छी जगह पे रख दिया है, तो वही सब किया। अभी आप देख सकते हैं मेरा फेस का हालत एकदम पसीना पसीना हो गया क्योंकि बाहर आज काफ़ी गर्मी थी, धूप भी थी थोड़ा बहुत। बार बार दूसरे, मतलब अलग अलग स्टोर पे गए थे ना, तो थोड़ा गर्मी लग गई है इतना ज़्यादा, मैं क्या बोले, एकदम टायर्ड फील हो रहा। तो फटाफट मैं चेंज कर लेती हूँ, देन आप लोगों को दिखा दूँ मैं क्या क्या लाया। सो जैसा कि मैं बोल रही थी कि अभी इस बार 75th इंडिपेंडेंस डे है, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जैसा कि बोला है कि हर घर में तिरंगा लहराने के लिए, तो जबकि इतना अच्छा एक मुहिम चल रहा है, सब लोग कर रहे हैं, और ये हमारा हक भी है और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम ये करें। और हम एक मतलब स्वतंत्र देश के नागरिक के तौर पे आई थिंक
ये चीज करना सबसे गर्व का बात भी है और एक हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, राइट। तो मैं यहाँ पे, आप लोगों ने देखा मैं फ्लैग खरीद रही थी, तो यस मैं हमारा देश का तिरंगा खरीद के लाई हूँ। ये मैं बालकनी में लगाने वाली हूँ यहाँ पे, या तो मेन बालकनी में, देखते हैं। ये लिया है और दो ऐसे फ्लैग लिए हैं, स्पेशली ये लिया है मैं अपने डेस्क पे रखने के लिए एंड थोड़ा बहुत फोटोज एंड वीडियो शूट करने के लिए भी मैंने ये लिया है। बाकी सब मेरा काम का चीज है, जैसे कि मैंने दो नोटबुक खरीदा है, एक नोटबुक स्पेशली मेरे काम के लिए, सब डिटेल्स में रहता है क्या क्या शूट करना है, क्या क्या मेरे आइडियाज है, कंसेप्ट स्पेशली रहता है, कंटेंट का जो कंसेप्ट होता है वो उसके लिए। और दूसरा मैंने लिया है थोड़ा बहुत मेरा पर्सनल चीजें के लिए, तो ये दो डायरी इसलिए लिया है। और जैसा कि मैं बोल रही थी, मेरा बचपन का एक, मतलब आप बोल सकते हैं, मेरा शौक था पेन्स कलेक्ट करना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन्स, कलर के पेन्स मैं कलेक्ट करती थी। मेरे पास इतना बड़ा एक बॉक्स था, उसमें भर के, इतना बड़ा और इतना बड़ा एक बॉक्स, उसमें भर के पेन्स था, मतलब बाद में वो ढक्कन लगा नहीं पाती थी, इतने पेन्स जमा हो गए थे। तो बहुत टाइम बाद, एक्चुअली हमारे घर पे सच बात पेन की बहुत कमी है, एक दो है, वो भी ठीक से चलता नहीं, जरूरत के लिए भी चाहिए था। और जब जाके देखा ना पेन से, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और हितेश भी बोलने लगी, ये सारे पेन ना स्कूल के टाइम के हैं, हम लोग जब स्कूल में थे तब ये सब पेन, सेलो, ग्रिपर, ये सब पेन होते थे। तो मतलब आप लोग बोल सकते थोड़ा जेल पेन्स लिए, ये सब एक्चुअली थोड़ा सा जब नोटबुक में कुछ क्रिएटिव लिखो ना तो कलरफुल हो तो अच्छा लगता है, तो ये सब लिया है, 6-7 टाइप्स के पेन्स लिए हैं। बचपन का जो मेरा एक शौक था वो मैंने जिया। गुड इवनिंग, तो मैं आ गई हूँ किचन में। आज जैसे मैं बोला था कि मैं कुछ अच्छा सा रेसिपी बनाने वाली हूँ, दो चीज बनाऊंगी, एक चिकन का रेसिपी होगा और एक पॉम्फ्रेट फिश लाई हूँ, तो मैं पॉम्फ्रेट का तवा फिश फ्राई जो होता है वो बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने चिकन को तो एक्चुअली आके शाम को मैरिनेट करके रख दिया था, तो फिश को अभी तक मैरिनेट नहीं किया, तो सबसे पहले फिश को मैरिनेट करते हैं। चिकन को बहुत सिंपल तरीके से मैरिनेट किया था, फिर भी मैं एक बार बता दूं। तवा फिश फ्राई बनाने के लिए आप लोग देख सकते हैं, सब कुछ मैंने इंग्रेडिएंट्स को ले लिया है, अभी इसको मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट करने से पहले पॉम्फ्रेट फिश को ना ऐसा बीच में से थोड़ा थोड़ा स्लिट करना है। ये चीज़ एक्चुअली स्टोर से ही करके देते हैं, बट वो लोगों ने नहीं करके दिया, मेरा भी बोलना नहीं हुआ, बट इट्स ओके, मैं ऐसे स्लिट कर लूँगी ताकि इसके अंदर तक अच्छे से मसाला जो है वो जाए। तो सबसे पहले इसमें ऐड कर दूँगी सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, लेमन जूस, ब्लैक पेपर पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली का पेस्ट, वाइट ऑयल। सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करके फिश को मैरिनेट करना है, दोनों तरफ से अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। सो मैरिनेशन हो गया, आप इसको हाफ एन आवर के लिए ऐसे ही रख दीजिए, देन ऑयल में फ्राई करना। अभी मैं बता दूं कि चिकन को कैसे मैरिनेट किया था। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 500 ग्राम जितना चिकन लिया है, इसमें योगर्ट, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा मीट मसाला, कोरिएंडर पाउडर एंड थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट एंड मस्टर्ड ऑयल, सब कुछ साथ में अच्छे से मिक्स करके मैंने ऑलमोस्ट 2-3 आवर्स से तो ज़्यादा ही फ्रिज में रख दिया था। अभी मैं इसको कुक कर लूँगी। सो यहाँ पे मैंने चिकन को चढ़ा दिया है, जस्ट मस्टर्ड ऑयल में मैंने थोड़ा सा 2 इलायची 2 लौंग और थोड़ा दालचीनी ऐड किया था, देन थिनली स्लाइस किया हुआ प्याज ऐड करके, प्याज जब ब्राउन हो गया देन मैंने इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करके, अभी बस इसको बहुत अच्छे से भून भून के ही पकाना है। और यहाँ पे मैं एक दाल बना रही हूँ, दाल पहले से नमक हल्दी डाल के बॉयल करके रखा था, अभी इसमें ऑयल एंड घी दिया है, उसमें जीरा, करी लीव्स, थोड़ा सा गार्लिक को ग्रेट कर दिया है, टोमेटो, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, बस अभी ये अच्छे से फ्राई हो गया, अभी मैं इसमें दाल को ऐड कर दूंगी।
चिकन बन रहा है। चिकन को बहुत अच्छे से मैंने भुना है, एकदम देख सकते हैं चारों तरफ से ऑयल निकल रहा है। तो अभी मैं गैस का फ्लेम को लो करके इसको ढक दूंगी। दाल बन गया और यहाँ पे मैं अभी फिश को फ्राई कर लूंगी। Makes me feel this way. Don't know what you do. Hold my hand. Could you hold my hand? Look me in the eyes. देख सकते चिकन से काफी ऑयल और पानी दोनों ही निकला है। एक्चुअली इस टाइम पे ना मैं इसमें ऐड कर दूंगी थिनली स्लाइस किया हुआ टोमेटोज। बहुत ही ज़्यादा थिनली स्लाइस, आप लोग देख सकते कितना ज़्यादा मैंने टोमेटो को थिनली स्लाइस किया है। कुछ कड़ी पत्ता ऐड करें। ये एकदम एक अलग स्टाइल का चिकन बनेगा, बट बहुत ज़्यादा ये टेस्टी होता है। कड़ी पत्ता पसंद है, देख सकते चिकन बन गया है। ये ड्राई ड्राई ही होता है, ज़्यादा पानी मत डालना, नहीं तो इसका जो एक्चुअल रियल टेस्ट है ना वो नहीं आएगा। और ये हितेश का एक्चुअली बहुत फेवरेट एक चिकन करी है, कड़ी पत्ता एंड टोमेटो ऐसा बाद में डाल के। तो ये रेडी हो गया चिकन यहाँ पे, और एक फिश को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। दूसरा फिश मैं सोचू खाने के टाइम पे इसको फ्राई कर लूँगी। अच्छा दिख रहा है, एकदम बड़ा सा दिख रहा है। सो आज का खाना इतना सुपर बना था ना, मैं क्या बोलूँ। चिकन में कड़ी पत्ता का टेस्ट इतना अच्छा लगता है ना, सीरियसली एक बार ज़रूर ट्राई करना। और पॉम्फ्रेट का फ्राई जो था वो भी बहुत अच्छा बना था, बट मेरा एक ही प्रॉब्लम हुआ था कि थोड़ा मसाला कम हुआ था, अदरवाइज सुपर था। मैंने एक ही फिश फ्राई किया, अब दूसरा फिश रख रही हूँ, उसको और थोड़ा सा मसाले के साथ मैनेज करके रख दूंगी फ्रिज में कल खा लूँगा। गाइस आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना, एंड अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो गाइस मैं आप लोगों से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।